आप सभी को मेरा नमस्कार। नव्य रसोई में आपका स्वागत है और आज हम बनाएंगे मेथी का पराठा। एकदम सॉफ्ट व नरम मेथी का पराठा बनाना आपको बताती हूँ मैं। प्याज लहसुन को बिल्कुल छोटी छोटी काटना है। दो मिर्ची कट कर लेते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे प्याज को कट कर लेते हैं छोटे छोटे। अब मैंने लहसुन और प्याज और मिर्ची सभी को कट कर लिया है। अब मेथी देख लेते हैं, बिल्कुल मेथी बिल्कुल हरी व अच्छी मेथी है और इनको मैंने कट कर लिया। अब इसको धो लेती हूँ मैं, धो के रख लिया। अब आटा देख लेते हैं, आटा ले लिया मैंने। आटे के अंदर नमक स्वाद अनुसार डालना है, कम ज़्यादा कर सकते हो। इसके अंदर हल्दी पाउडर आधी चम्मच। अब ऐड करते हैं इसके अंदर एक चम्मच मिर्च पाउडर ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला। अब मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर देती हूँ जो मैंने काट के रखे थे। अब लहसुन ऐड कर देती हूँ इसके अंदर। लहसुन से पराठे में बहुत स्वादिष्ट होता है पराठा। मिर्च हरी मिर्च ऐड कर देती हूँ इसके अंदर। साबुत धनिया को थोड़ा दरदरा कूट के ये डाल देती हूँ। मेथी डाल देते हैं इसके अंदर। बिल्कुल आपको बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट कुरकुरे कुरकुरे मेथी का पराठा बनाना बताती हूँ। अब मेथी को बिल्कुल मेथी व आटे को बिल्कुल मिक्स कर लेते हैं और फिर देखते हैं कितना पानी डलेगा कितना नहीं डलेगा। मैंने मेथी को बिल्कुल मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर थोड़ा पानी डाल के फिर आटे को गूंद लेती हूँ। गरम खाओगे तो गरम भी बहुत अच्छे लगेंगे और ठंडे होने के बाद में तो और भी अच्छे लगेंगे मेथी के पराठे। मैं आटा लगा लेती हूँ पानी डाल के। बारिश का मौसम था और मैं सब्जियाँ खरीदने गई थी सब्जी मंडी, और सब्जी मंडी में मेरे को मेथी दिखी तो मैंने सोचा भाई बारिश का मौसम है और मेथी के पराठे बनाते हैं। लोग तो सर्दियों में मेथी के पराठे बनाते हैं, मैं बारिश के मौसम के अंदर मेथी का पराठा बनाने के लिए मेथी लेके आई हूँ बिल्कुल अच्छी वाली। और मेथी का पराठा बनाना थोड़ा सा पानी और डाल के आटे को गूंद लेती हूँ और आटे को बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट गूंद लेती हूँ। ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा मुलायम आटे को लगाना है। और अब आटे को आराम करने देते हैं 10-20 मिनट। अब तवा ले लेते हैं, तवा गैस पे चढ़ा के और कर लेते हैं। 20 मिनट हो चुकी है, आटे को देखते हैं। बीस मिनट इसलिए रखते हैं इसके आटे को क्योंकि पराठे के अंदर अच्छी रंगत आ जाए। मैं छोटी छोटी लोई बना लिया मैंने पराठे के लिए। पराठे के लिए मैंने लोई बना के तैयार कर ली। मैंने थोड़ा घी लिया है और घी को गर्म कर रखा है मैंने। घी लगा के और अब बनाना शुरू करती हूँ पराठा। पराठा बन के तैयार हो गया।
पलौतन नहीं लगाना है, पलौतन लगाने से ये पराठा काला काला हो जाता है, वह पराठे की अच्छी रंगत नहीं आती है। अब मैं घी डालती हूँ इसके ऊपर, तवे पे घी डाल के मैंने पराठा डाल दिया। अब पराठा बन रहा है, थोड़ा थोड़ा घी और डाल देते हैं चारों तरफ। देखिए आप कितना अच्छा मेथी का पराठा बन के तैयार हो गया, और इसके ऊपर थोड़ा घी और डाल देती हूँ। देखिए आप कितना बेहतरीन मेथी का पराठा बन के तैयार हुआ है। अब मेथी का पराठा का कलर बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गया, कितना बेहतरीन कलर आया है मेथी का पराठे का। मेथी का पराठा बन के तैयार हो गया है, एक प्लेट के अंदर निकाल लेती हूँ। अगला पराठा मैं तैयार कर रही हूँ, और ऊपर मैं घी डाल देती हूँ। तवा ज़्यादा गर्म हो चुका है, बिल्कुल लो फ्लेम पे चलाना है। मैंने पराठा इसके ऊपर डाल दिया है, अब बन के तैयार हो रहा है पराठा। इसको पलट दिया है मैंने पराठे को। पलट देते हैं पराठे को, एकदम गोल्डन परत आ जाएगी पराठे की, तो आप देख लेना सिका सिका लग रहा है पराठा। नवे रसोई में आपको पराठे बनाने की रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आप भी बनाइए मेथी के पराठे।